इंदौर में झंडा वंदन के दौरान विवादित नारेबाजी करने के कारण दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर एक दूसरे पर पथराव किया गया। मौके पर पुलिस फोर्स ने पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। वहीं पथराव में दो युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के पत्थर मुंडला स्थित नगर निगम द्वारा बनाई गई कावेरी मल्टी में हिंदूवादी संगठनों द्वारा झंडा वंदन किया गया और उसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने विवादित नारे लगाए, जिससे एक समुदाय के लोगों ने आपत्ति ली, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें दो युवक घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर तेजाजी नगर थाना पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला। विवाद न बढ़े इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाकर दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं अब पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। आपको बता दें कि कावेरी बिल्डिंग में जवाहर मार्ग पागनिस पागा सड़क निर्माण में बाधक साउथ तोड़ा के लोगों के मकान तोड़कर उन्हें कावेरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया था। बिल्डिंग में दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे जैसा कि सामने आप लोग देख रहे होंगे, ये मल्टी प्रशासन ने बनाई है, जिसमें कि जो रावजी बाज़ार और आसपास के क्षेत्रों से जो अतिक्रमण हटा है वहाँ पे गरीबों को ये दिया गया है। इसमें मिक्स पॉपुलेशन है, दोनों समुदाय के लोग इसमें रह रहे हैं। और आज सुबह जो है कुछ हिंदू पक्ष के लोग थे, वो झंडा वंदन का कार्यक्रम कर रहे थे। पहले उन्होंने जनगणमन गाया, इसके बाद भारत माता की जय, इसके बाद फिर हिंदूवादी नारे लगा, इसके बाद फिर जो है कुछ जो है आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही। इसको लेकर के मल्टी से जो है दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव किया और इसी को लेकर के जो है इनके बीच में एक विवाद की स्थिति पैदा हुई। अभी जो है पुलिस यहाँ पे पहुँच गई थी टाइम से और स्थिति को संभाल लिया, इसलिए स्थिति खराब ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। इसमें जो लोग जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम हो रहा है तेजाजी नगर थाने में। उनको जिनको चोट लगी है उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है, और जो लोग यहाँ पे थे जो गाली गलौज करने में थे उनके वीडियो भी पुलिस के पास में आ गए हैं और उसमें हम लोग पहचान कर रहे हैं और वहाँ से भी हम मुकदमा कायम कर रहे हैं। तो जो भी इसमें दोनों पक्षों की तरफ से जो भी इसमें इन लोग इन्वॉल्व थे, जो गाली गलौज करने में थे, पत्थरबाजी करने में थे, उनमें से किसी को नहीं बख्शा जाएगा और हर हाल में जो शांति है, जो सौहार्द है, वो कायम रखा जाएगा। यहाँ पे परमानेंटली एक हम लोग चारिका गार्ड यहाँ पे, अभी तो पूरा फोर्स रहेगा, चारिका गार्ड परमानेंटली हम यहाँ पे लगा रहे हैं।